नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पाटिल फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पाटिल क्लासेस आपका स्वागत करता हूं आप सभी लोगों की डिमांड पे ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं एनपीटीएल के ऊपर और आप सब लोगों ने जैसे जिक्र किया था कि पाटिल सर प्लीज हाथ से लिख के बताइए सारी चीज विस्तृत में डिटेल में तो इसलिए बच्चों में ये सारी चीज हाथ से लिख के ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ

सबसे आखिरी में आपको एग्जाम ट्रिक्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं इसलिए सभी लोग कृपया ये वीडियो आखिरी तक के देखेंगे क्विक फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको एग्जाम के बारे में एग्जाम ये ऑनलाइन रहती है आपको जो सेंटर मिलेंगे उस एग्जाम सेंटर्स जो भी आपको एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे उस एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर लैब रहता है उस लैब में जाके आपको एग्जाम देनी पड़ती है एग्जाम प्रॉक्टरिंग टेक्निक के थ्रू कंडक्ट की जाती है जैसे कि आपको पता है वेरियस कोर्सेस रहते हैं एनपीटीएल में आफ्टर कम्प्लीशन आपको सर्टिफिकेट मिलता है और ये जो सर्टिफिकेट है ये भी बहुत काम का रहता है ये इंडस्ट्री में इसका रिकॉग्निशन होता है दोस्तों एग्जाम के पंद्रह दिन बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि पीडीएफ फॉर्म में रहेगा आपका जो रजिस्टर्ड ई मेल है उस पर ये सर्टिफिकेट आएगा ऑब्वियसली आफ्टर पासिंग द एग्जाम एग्जाम पास करने के बाद में ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा हार्ड कॉपी एक से डेढ़ महीने में आती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे एग्जाम सेंटर आपको हॉल टिकट पे लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों जनरली हॉल टिकट आपके घर के 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में ही एग्जाम सेंटर्स देते हैं हॉल टिकट पे वो मेंशन रहता है एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर लैब रहेगा जैसे कि मैंने जिक्र किया था प्रॉक्टरिंग यूज करते हैं टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा आपका थ्री हवर्स थ्री हवर्स की आपकी एग्जाम होने वाली है लेवल ऑफ एग्जाम कैसा होता है बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें बताओ लेवल ऑफ एग्जाम कैसे होगा दोस्तों लेवल ऑफ एग्जाम बहुत ही इजी है पेपर सेवेंटी का होगा आपका 75 फाइव में से फोर्टी परसेंट आपका पासिंग मार्क्स रहेगा यानी आपको ऑन पेपर थर्टी मार्क्स लाने के है ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है हेल्प ऑफ कंप्यूटर आपका पेपर दो घंटों में ही खत्म होगा ये मुझे विश्वास है एग्जाम सेंटर में आपको रफ पेज मिलेगा जो कि एग्जाम होने के बाद में आपको वापस लौटाना पड़ेगा याद रखो आपको एग्जाम कंप्यूटर पे देनी है दोस्तों कंप्यूटर पे एग्जाम देने के और प्रॉक्टरिंग यूज होती है एग्जाम में असाइनमेंट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आपको असाइनमेंट के टोटल मार्क्स ट्वेंटी रहते हैं पासिंग आपको असाइनमेंट में रहता है ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी परसेंट टेन मार्क्स मिनको असाइनमेंट में लाने ही पड़ते हैं टोटल पासिंग की अगर बात करेंगे तो हंड्रेड में से आपको थर्टी मार्क्स लाने के एग्जाम में जो अभी आपकी होने वाली है कल परसों में असाइनमेंट में दस मार्क्स लाने के हैं पचहत्तर प्लस पच्चीस एग्जाम में और टेन मार्क्स लाने के आपको असाइनमेंट में असाइनमेंट आपके चार या छह या फिर आठ या फिर बारह रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कोर्स जो कोर्स आपने लिया है उसके मुताबिक आपके असाइनमेंट रहेंगे पेपर पैटर्न कैसा रहेगा बेटा दोस्तों पेपर पैटर्न कैसा रहेगा तो देखेंगे आप लोग पेपर पैटर्न की अगर बात करेंगे तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसके हिसाब से पेपर पैटर्न आपका वेरी हो सकता है सेक्शन वन में एमसीक्यूज रहेंगे दस क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन दो मार्क का रहेगा यानी बीस मार्क आपको यहाँ मिल गए इसकी लेवल कैसे रहेंगे तो इजी लेवल रहेंगे दोस्तों असाइनमेंट अगर आपने अच्छे से किया है तो उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे श्योरली सेक्शन बी फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है दस क्वेश्चन एक मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा तो बीस मार्क के क्वेश्चन आएंगे इसके लेवल भी इजी रहेंगे लेकिन असाइनमेंट जैसे क्वेश्चन आएंगे असाइनमेंट में से नहीं आएंगे लेकिन असाइनमेंट जैसे आ सकते हैं एंड सेक्शन सी जो है वन सेंटेंस क्वेश्चन रहेगा दस से पंद्रह क्वेश्चन आएंगे अलग अलग मार्क्स रहेंगे कुछ क्वेश्चन के दो मार्क रहेंगे कुछ क्वेश्चन के तीन मार्क रहेंगे इससे पैंतीस मार्क यहाँ होंगे आपके इसके लेवल टफ रह सकते रहती है जनरली और इसके लिए आपको रेफरेंस मटेरियल पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको कोर्स में देके रखा हुआ है अभी दोस्तों मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ फॉर पासिंग द एग्जाम नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको जब आप लोग पढ़ाई कर रहे तब ऑब्वियसली आप लोगों ने बनाए होंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क माई फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको और वीडियो लेक्चर्स देखते देखते जो भी आपको काम का लगता है उसके स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे और असाइनमेंट सॉल्व करके आपको जाना पड़ेगा बोनस दे रहा हूं मेरे तरफ से दोस्तों में ऑप्शन आता है तो वो सही रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं या कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में एबीसीडी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में बोलेंगे बोथ ऑफ दीज तो बोथ ऑफ दिस भी सही रहने का चांस है राइटर या कंपोजर का अगर आपको नाम पूछा है तो असाइनमेंट से ही ये क्वेश्चन आने वाला है असाइनमेंट ही आपको पढ़ने पड़ेंगे जो पीडीएफ मटेरियल आपको दिया हुआ है वो एंड नन ऑफ दीज जनरली ये आंसर नहीं रहता है तो सभी लोगों को तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग ये वीडियो जरूर देखें सब्सक्राइब करें आपके दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें जिनको भी इसका फायदा होगा उन सबको ऑल और एक वीडियो मैंने बना के रखा है वो भी आप देखेंगे बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर एग्जामिनेशन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ट्वेंटी फोर बाय सेवन थैंक यू वेरी मच